जय हिंद। नमस्कार साथियों, सोल्जर फिजिकल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, बैक टू बैक वीडियो आता रहता है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जैसे एसजीडी का भी आप लोग जानते हैं, अभी मेडिकल चल रहा है। तो मेडिकल अभी चल रहा है, कब तक मेडिकल चलेगा, इसके बाद कब तक ज्वाइनिंग होगा, चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अभी तो आपको बता रहा है, इसका ज्वाइनिंग लगभग अक्टूबर में होगा, सितंबर से अक्टूबर में आपका ज्वाइनिंग होगा। और कब तक इसका ज्वाइनिंग होगा, सबसे पहले कौन सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, सबसे पहले ज्वाइनिंग कौन कराएगा, तो देखिए सबसे पहले ज्वाइनिंग तो सब होगा, कोई 10 दिन आगे हो या 10 दिन पीछे हो। सवाल उठता है कि कौन सेंटर में कितना सीट खाली है, जो सेंटर पर सीट खाली होगा उस सेंटर पर आपको ज्वाइनिंग होगा। और दूसरा नंबर सवाल उठता है कि सर ज्वाइनिंग लेटर कहाँ आएगा, तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर आपका घर आएगा, डाक के माध्यम से आपके घर पहुँचेगा ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर आपको खुद पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको मिलेगा। सवाल उठता है कि सर कैसे करेंगे ज्वाइनिंग, तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद आप उसके बाद जो आपका सेंटर मिलेगा, जो आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, तो उस ट्रेनिंग सेंटर पर आपको पहुंचना है। तो ट्रेनिंग सेंटर पर जिस दिन डेट देगा, तो डेट से 1 से 2 से 3 दिन में आपको वहां पहुंचना है, क्योंकि लेट जाइएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग करने जाना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से जाना है, और टाइमिंग जब अगर आपको मिलेगा कि 20 तारीख को जाना है, तो 20 तारीख को 21, 22, 23 तारीख को आप चले जाइएगा। 20 तारीख को कोशिश कीजिएगा जाने के लिए, क्योंकि लेट कीजिएगा तो आप ही को घाटा होगा। और सवाल उठता है कि सर कब तक ज्वाइनिंग करा देगा, लगभग तो बता दिए हैं कि लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका ज्वाइनिंग होगा। ये सीआरपीएफ के साइड पर दिया है कि लगभग सीआरपीएफ को भी सितंबर से अक्टूबर तक ज्वाइनिंग करा देना है। और एक बात और बताना चाह रहे हैं कि जो भी भाई अगर जिनका मेडिकल फिट हो चुके हैं, जिनका अच्छा खासा नंबर है, जिनका अगर 5 से 6 नंबर भी ज़्यादा है, तो कृपया टेंशन ना लें, क्योंकि आपको पता है कि 2 गुना रिजल्ट दिया था। 2 गुना रिजल्ट देने से आपको ये पता हो गया है कि 2 गुना में उसमें मेडिकल अभी था, और बहुत ऐसे स्टूडेंट भी थे जो मेडिकल करवाने भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका 1 या 2 या 3 या 5 नंबर या तो कोई अच्छे पोस्ट पर कहीं चले गए, या तो स्टेट पुलिस हो गए, या कोई अलग जॉब कर लेना गए, तो वैसे स्टूडेंट भी अभी नहीं गए हैं इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि आप टेंशन बिल्कुल मत लें, लगभग आपका 5 से 6 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका होगा। और दूसरा नंबर बताना चाह रहे हैं कि जिनका भी मेडिकल अच्छे से फिट हो गया है, मेडिकल फिट हो चुका है, तो उन भाइयों के लिए भी कहना चाह रहे हैं कि आप लोग कहीं बाहर और ना जाएं, क्योंकि बाहर अगर आप जाइएगा तो देखिए रोड पर चलते हैं तो बाइक से भी बच रहे हैं। और अच्छे से रहिए, और आप 1 से 2 महीने 3 महीने का बात है, अच्छे से रहिए और एकदम बिंदास रहिए, आपका मेडिकल हो गया है तो ज्वाइनिंग भी होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।